दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल क्रेजी एमजी ट्रिक्स में। आज हम लोग भारत की मृदा और प्राकृतिक वनस्पति के बारे में चर्चा करेंगे और इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। अभी हाल ही में आपने BEO का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें भी इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा आयोग का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो UPPCS हो, चाहे UP SSSC हो, सभी में भारत की मृदा और प्राकृतिक वनस्पति से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और अक्सर पूछे जाते रहेंगे। तो शुरू करते हैं इससे संबंधित प्रश्न। इसमें जो पहला प्रश्न है, लैटेराइट मिट्टी का प्रयोग होता है, तो इसका पहला ऑप्शन है कृषि कार्यों के लिए, कपास के लिए, भवन निर्माण के लिए या बर्तन निर्माण के लिए। तो जो लैटेराइट मिट्टी होती है, इसका जो प्रयोग होता है वो भवन निर्माण के लिए होता है। तो हमारा सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, के लिए होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन सी है। इसमें जो पहला विकल्प है, दोमट मिट्टी, पथरीली मिट्टी, बलुई मिट्टी और चीका मिट्टी। ये प्रश्न UPPCS में पूछा गया है। अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी को चीका मिट्टी कहा जाता है। चीका मिट्टी या चिकनी मिट्टी, इसमें जो कण होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और जिसमें जो कणों का व्यास होता है वो 0.002 मिलीमीटर तक होता है। तो 0.00 मिलीमीटर से भी कम व्यास होता है चीका मिट्टी का, इसीलिए इसे अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कहते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कपास की काली मिट्टी में निम्न में से किसका आधिक्य है। तो जो काली मिट्टी कपास के लिए, कपास की खेती के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, इसमें किसका आधिक्य है। ऑप्शन है एलाइट, कैलिनोनाइट, क्लोराइट और मोंट मेरिलोनाइट। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, मोंट मेरिलोनाइट। कपास की काली मिट्टी, इसको रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है, रेंगुर मिट्टी, जिसे उत्तर प्रदेश में कलेर मिट्टी भी कहते हैं। ये भी याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में कलेर मिट्टी कहा जाता है, या इसको अंतर्राष्ट्रीय रूप में उष्णकटिबंधीय चरनोजम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चरनोजम। तो ये जब भी आपको याद रखना है, चरनोजम। तो काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी, कलेर मिट्टी और चरनोजम मिट्टी कहा जाता है। काली जो कपास की काली मिट्टी होती है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और इसमें मोंट मेरिलोनाइट का आधिक्य होता है। अगला प्रश्न, भारत के नीचे दिए गए मानचित्र में 1, 2, 3, 4 द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टियों के प्रकार बताने हैं। तो आपको बताना है कि जो भारत के मानचित्र में जो संख्याएं दी हैं 1, 2, 3, 4, ये किस प्रकार की मिट्टी को प्रदर्शित करती हैं। ये हैं आपके ऑप्शन, मरुस्थलीय मिट्टी, काली मिट्टी, पहाड़ी, लाल, और इस तरीके से चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो सेकेंड वाला पार्ट है ये हमारा इधर है, तो ये देखते हैं। तो अब देखिए कि जैसे इसमें जो ए भाग है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र है राजस्थान का, तो इसका मतलब जो एक नंबर आएगा वह मरुस्थलीय मिट्टी को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही जो दो है वो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र को दर्शा रहा है, जिसमें यहाँ से लेके यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक क्या है, पहाड़ी मिट्टी है, हिमालय पर्वत के नीचे वाला हिस्सा है ये, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर 3 है, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है, और अभी मैंने आपको बताया था कि जो काली मिट्टी है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है, तो ये 3 नंबर पे काली मिट्टी हो जाएगा। और जो चौथा नंबर जो दिखा रहा है, ये तमिलनाडु का क्षेत्र दिखा रहा है, और तमिलनाडु में मैंने अभी बताया था कि लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए जो मरुस्थलीय मिट्टी है, बी पर्वतीय मिट्टी है, 3 नंबर पर हमारा हो जाएगा काली मिट्टी और 4th नंबर पर लाल मिट्टी हो जाएगा। आप देखते हैं अगला प्रश्न। जो 5वां प्रश्न है, दक्षिण भारत में ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है, दक्षिण भारत में ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है क्या, मिट्टी, स्थलाकृति, वनस्पति या बस्ती प्रतिरूप। ये प्रश्न भी MPPCS में पूछा गया है। तो दक्षिण भारत में ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित मिट्टी होती है। आपने काली मिट्टी पढ़ा होगा, काली मिट्टी भी ज्वालामुखी क्रिया से ही उत्पन्न होती है, तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न,
गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता के बने रहने का कारण क्या है? ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है। आपके ऑप्शन है लगातार सिंचाई, ऊसर भूमि का सुधार, मानसून वर्षा और वार्षिक बाढ़ एवं नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव। तो हमेशा याद रखेंगे कि गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता बने रहने का कारण क्या है? वार्षिक बाढ़ और नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव। क्योंकि जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं? नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो जब और ये जो नदियों का जल होता है ये हिमालयी क्षेत्र से आ रहा है तो इसमें हमेशा इसकी मृदा की उर्वरता बनी रहती है। जो क्षेत्र बार बार बाढ़ से प्रभावित होता है और उसमें जलोढ़ मृदा का जमाव होता रहता है जिससे कि नई मिट्टी ऊपर ऊपर तक जमी रहती है जिससे मृदा की उर्वरता बनी रहती है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सी मिट्टी का क्षेत्र अधिक है? इसके ऑप्शन है जलोढ़ मृदा, काली, लाल पीली और लैटेराइट। यह प्रश्न भी यूपीपीसीएस में पूछा गया है। इसका जो सही विकल्प होगा जलोढ़। तो उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का सबसे ज़्यादा क्षेत्र अधिक है। तो याद रखेंगे जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, इस एक को कहते हैं खादर और एक होती है बांगर। तो जो खादर और बांगर, तो याद रखेंगे कि जो नई जलोढ़ मृदा होती है उसको खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। तो इसका जो हमारा ए विकल्प हो जाएगा सही ए। जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं? नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत में लाल पीली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। तो याद रखेंगे कि जो लाल पीली मिट्टी है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसका ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिटेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? इसमें जो ऑप्शन है लैटेराइट, काली मिट्टी, क्षारीय मिट्टी और बलुई मिट्टी। इसका जो सही ऑप्शन होगा क्रिटेशियस युग में दरारी उद्भेदन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है जो कि दक्षिण भारत में पाई जाती है, महाराष्ट्र में, गुजरात में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और काली मिट्टी को ही स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वतः जुताई वाली मृदा। स्वतः जुताई वाली मृदा क्यों कहा जाता है स्वतः जुताई वाली मृदा? क्योंकि अगर इसमें जब जल डाला जाता है तब ये मुलायम हो जाती है और सूखने पर इसमें क्या होती है? दरारें पड़ जाती हैं। और दरारें पड़ जाती हैं जिससे कि जुताई स्वतः हो जाती है। तो इसीलिए इसे स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है। इसका बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए भारत के मानचित्र में अवलोकन कीजिए, इसमें किसकी विविधता दर्शाई गई है? तो ये हमारा जो दसवां प्रश्न है ये, तो इसमें मानचित्र में किसकी विविधता दर्शाई गई है हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी, वार्षिक वर्षा और भूगर्भिक संरचना। तो इसमें प्राकृतिक, इसमें मिट्टियों की विविधता दर्शाई गई है। तो इसका जो बी विकल्प हमारा होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। पहला है कांप मिट्टी उत्तर प्रदेश, काली मिट्टी महाराष्ट्र, लाल और पीली मिट्टी तमिलनाडु और लैटेराइट मिट्टी पंजाब। तो इसका जो सही विकल्प होगा, कौन सा युग्म सही नहीं है, तो आपको बता दूं कि लैटेराइट मिट्टी पंजाब में नहीं पाई जाती है। तो ये विकल्प हमारा गलत दिया हुआ है। लैटेराइट मिट्टी तमिलनाडु में ज़्यादा पाई जाती है। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो गलत मैच हुआ है। तो इसका यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है, लाल और पीली मिट्टी भी तमिलनाडु में पाई जाती है और लैटेराइट मिट्टी केरल में ज़्यादा पाई जाती है। तो केरल तमिलनाडु वाले क्षेत्र हैं इसमें पाई जाती है लैटेराइट और बीच के भी क्षेत्र हैं। और कांप मिट्टी उत्तर प्रदेश में जलोढ़ का ही एक प्रकार है। तो ये उत्तर प्रदेश इसका सही ऑप्शन है। अगला, टेरो रोजा मृदा निम्न में से कौन सी फसल से संबंधित है? तो टेरा रोजा मृदा किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है चाय, कॉफ़ी, गन्ना और कपास। तो टेरा रोजा जो मृदा है वो कॉफ़ी की फसल से संबंधित है। तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, लैटेराइट मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सी फसल संबंधित है? तो इसका जो विकल्प है गेहूँ,
चावल, बागानी फसलें और कपास। तो जो लैटेराइट मिट्टी अभी मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा केरल में छिपाई जाती है, तो केरल का जो मालाबार तट है जहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है वहाँ पे बागानी फसलें, तो इसका जो सी विकल्प होगा वो सही हो जाएगा। लैटेराइट मिट्टी में बागानी फसलें ज़्यादा होती हैं, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो सही माना जाएगा। अगला प्रश्न, नीचे मानचित्र दिया गया है, इसमें छायांकित क्षेत्र में मिट्टी का कौन सा प्रकार पाया जाता है? फिर देखिए, केरल का क्षेत्र दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ तमिलनाडु का क्षेत्र है, और ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, उड़ीसा का, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, तो हमें बताना है कि कौन सा प्रकार पाया जाता है। तो अभी हमने बताया था कि केरल में लैटेराइट मिट्टी ज़्यादा होती है, तो लैटेराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा केरल में ही दिया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो हमेशा याद रखेंगे, चंदन की लकड़ी के वन कर्नाटक और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में और तमिलनाडु में। और कर्नाटक और तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाएंगी, कौन सी पहाड़ियाँ मिलेंगी आपको? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, केरल तमिलनाडु के साइड। तो इसका जो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चंदन की लकड़ी के वन सबसे ज़्यादा नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलेंगे आपको, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, आप ये प्रश्न जैसे ही मैं पढ़ता हूँ आप उस वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद अपने आप से लगाने का प्रयास कीजिए, और वीडियो जब समाप्त हो जाए उसके बाद अपने आप का आकलन कीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने 50 में से कितने सही प्रश्नों का जवाब सही सही दिया है, और आपकी तैयारी किस हद तक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से निम्नलिखित प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों को प्रतिशत आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सबसे कम पहले देखा जाएगा। सबसे कम अगर हम देखें तो छितरा कटीली झाड़ियाँ, ये जो दूसरा नंबर है ये सबसे कम पाया जाएगा। उसके बाद छितराए हुए वनों से युक्त घास का मैदान चार नंबर आएगा, उसके बाद पर्णपाती वन, और सबसे लास्ट में सदाबहार वन। तो इसका जो ए ऑप्शन है हमारा सही माना जाएगा। ये प्रश्न भी दो बार आया है आईएएस में और यूपीपीसीएस मेंस में। तो सबसे कम कटीली झाड़ियाँ, फिर छितराए हुए वृक्षों से युक्त घास का मैदान, फिर पर्णपाती वन, और उसके बाद सदाबहार वन। तो इसका जो ए ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मानचित्र में दर्शाए गए चार क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र भारत में वनस्पति जात की संरक्षण की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है? तो इसमें ये देखिए चार क्षेत्र दिखाए गए हैं, ये कुछ पर्वतीय क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर पर्वतीय वनस्पतियाँ पाई गई होंगी। ये दूसरा मरुस्थलीय क्षेत्र है राजस्थान का, तो यहाँ पर मरुस्थलीय वनस्पतियाँ हैं। ये विदर्भ क्षेत्र है बीच का, यहाँ पर भी मरुस्थलीय मिट्टी ही है, और ये जलोढ़ का मैदान दिया हुआ है उत्तर प्रदेश का तीन नंबर पे। हमसे पूछा है कि वनस्पति जात की दृष्टि से कौन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सीधी सी बात है जो पर्वतीय मिट्टी है ऑप्शन नंबर ए पर एक में, ये वनस्पति जात की संरक्षण की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जैसे जैसे आप हिमालय में ऊँचाई पकड़ते हैं, जैसे जैसे आप ऊँचाई पर चढ़ते हैं, वहाँ पर वनस्पतियों का अलग अलग प्रकार पाया जाता है, यानी कि वनस्पति की विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है, और इसीलिए यहाँ पर जो संरक्षण है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रेयर वनस्पति मिलती है यहाँ पर, तो इसीलिए इसका संरक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है? किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है? ऑप्शन है दोमट, बलुई, मटियार और लाल। तो इसका जो सबसे सही विकल्प होगा क्ले मिट्टी या चिकनी मिट्टी या मटियार मिट्टी। देखिए, जो मटियार मिट्टी होती है इसमें कणों का जो व्यास होता है वो बहुत ही कम होता है, सपाट होते हैं, कण बिल्कुल ही महीन होते हैं, आसपास होते हैं। तो अगर कण बिल्कुल पास हैं मिट्टी के, इस तरीके से कण बिल्कुल पास हैं, नीचे पानी है, तो ये पानी बाष्पीकृत नहीं होगा।
तो पानी बाष्पीकृत नहीं होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि ये अधिकतम पानी संजोए रखेगी इस प्रकार की मिट्टी। इसीलिए मटियार मिट्टी की विशेषता है कि ये मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है, तो इसका सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूची दी हुई है, इसको हमें सुमेलित करना है, तो आइए देखते हैं कैसे सुमेलित किया जाएगा। जो इसमें पहला दिया हुआ है, कर्नाटक का पठार, नागपुर का पठार, मालवा का पठार और उत्तरी सरकार तट। दो दूसरी सूची इसमें दी हुई है, इसमें दिया हुआ है रेंगुर मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और जलोढ़ मृदा। तो हमें इसमें सूची का मिलान करना है, तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो इसका जो 19 का जो कर्नाटक का पठार है, तो इसमें लाल मिट्टी पाई जाती है सबसे ज़्यादा। क्या पाई जाती है? लाल मिट्टी। तो इसका बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद नागपुर का पठार जो दिया हुआ है, इसमें लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। अभी मैंने बताया था कि लेटेराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। तो ये केरल में नागपुर का पठार हो जाएगा, तो ये दूसरे का तीसरा हो जाएगा। मालवा का पठार जो दिया हुआ है, इसमें रेंगुर की मिट्टी पाई जाएगी। महाराष्ट्र के और जो दक्षिणी मध्य प्रदेश है उसका क्षेत्र दिया हुआ है मालवा पठार, तो रेंगुर मिट्टी हो गया। उत्तरी सरकार तट में जलोढ़ मृदा का आधिक्य है। तो इस तरीके से हमारा इसमें डी विकल्प सही हो जाएगा, 19 का डी विकल्प। फिर से देख लीजिए, कर्नाटक का पठार लाल मिट्टी, नागपुर का पठार लेटेराइट मिट्टी, मालवा का पठार रेंगुर मिट्टी और उत्तरी सरकार तट में जलोढ़ मृदा। अगला देखते हैं, अगला है, भारत के दक्कन प्रायद्वीप पठार पर किस मिट्टी का अभाव पाया जाता है? तो बताना है किस मिट्टी का अभाव पाया जाता है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा 20 का, पोर्टजोल मिट्टी। क्या विकल्प हो जाएगा? पोर्टजोल मिट्टी। तो इसका ए विकल्प सही है। बाकी दक्कन के प्रायद्वीप में लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी और लेटेराइट, ये सभी मिट्टी पाई जाती है, लेकिन पोर्टजोल मिट्टी नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न, भारत में काली कपासी मृदा के निर्माण में सहायक सेल कौन सा है? तो काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? बेसाल्ट। तो इसका जो बी विकल्प होगा वो सही होगा, 21 का बी, बेसाल्ट सहायक सेल है काली कपास मृदा के निर्माण में। और जो लावा से निर्मित मिट्टी होती है, इसी को काली मिट्टी कहा जाता है, इसीलिए इसमें बेसाल्ट विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न, गुजरात प्रदेश अधिकांशतः किससे आच्छादित है? तो गुजरात में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? तो सीधी सी बात है, जो महाराष्ट्र का और गुजरात का क्षेत्र है, इसमें काली मिट्टी ही पाई जाएगी। तो 22 का हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा, काली मिट्टी। गुजरात में अधिकांशतः काली मिट्टी पाई जाती है, जिसे रेंगुर मिट्टी, काली कपास की मिट्टी या अंतर्राष्ट्रीय रूप से चरनोजम मिट्टी, ये सब संज्ञाएँ दी जाती हैं। उत्तर प्रदेश में इसको करेल मिट्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलेगी? तो कहाँ मिलेगी आपको उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति? तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता होगी, जहाँ पर वनस्पतियों का प्रकार अलग अलग तरीके से होगा। तो सीधी सी बात है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, जिसमें ऊँचाई के साथ साथ वनस्पतियों का रंग रूप आकार और प्रकार सभी कुछ बदल जाता है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला इसका सही ऑप्शन होगा, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित मानचित्र में छायांकित क्षेत्र द्वारा प्रदर्शित वनों का नाम बताना है। ये बताना है कि आपको यहाँ पर ये जो वनों का प्रकार दिया है, ये किस प्रकार के वन दिए हुए हैं? तो सदाबहार वन ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सदाबहार वन वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इसका मतलब ये जो मालाबार तट है, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होगी, या फिर यहाँ पर जो गारो खासी जयंतियाँ की पहाड़ियाँ हैं मेघालय में, इस तट पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, या बंगाल के जो पूर्वी सिरे हैं यहाँ पर वर्षा होती है इस क्षेत्र में, या ये जो तमिलनाडु का क्षेत्र है यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सदाबहार वनस्पतियों का क्षेत्र नहीं दिया हुआ है, तो सी विकल्प हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। मानसूनी वन और मरुस्थली वन, मरुस्थलीय वन तो राजस्थान क्षेत्र में होंगे अधिकतर, तो यहाँ वाला क्षेत्र होगा, तो बी विकल्प भी हमारा एलिमिनेट हो गया। इसके बाद अर्ध मरुस्थलीय वन, तो उसी के आसपास का क्षेत्र है, तो ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा। बचा मानसूनी वन, तो यही डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, 24 का डी सही होगा। तो इसमें हो जाएगा
मानसूनी वन। तो मानसूनी वन जिन्हें पतझड़ी वन भी कहा जाता है, मौसम के अनुसार जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं पतझड़ी वन कहते हैं। पतझड़ी वनों को ही पर्णपाती वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्णपाती वन। ये दो प्रकार के होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती और एक उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। भारत में सबसे, अगर आपसे पूछा जाए भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार की वनस्पति है, जो कि प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप उत्तर लगाएंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। दूसरा नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो होगा उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती। केवल शुष्क की जगह हमें क्या कर देना है, नम कर देना है या आर्द्र कर देना है। तो दूसरे नंबर पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो ये जो क्रम है आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, उसके बाद उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती या आर्द्र पर्णपाती। अगला देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में सामान्यतः लैटेराइट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो लैटेराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है आपको बताना है। तो लैटेराइट मिट्टी वही दक्षिण भारत का क्षेत्र, तो 25 का बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, कर्नाटक में। इन चार ऑप्शनों में सबसे ज़्यादा लैटेराइट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो 25 का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आइए देखते हैं, काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, ये पहले डिस्कस हो चुका है, काली मिट्टी कपास के लिए अच्छी होती है। इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, तो ये स्वतः जुताई वाली मिट्टी है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, आर्द्रता ये धारण नहीं करती है। सूखने पर दरार पड़ जाती है, बिल्कुल सही बात है, इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, तो जुताई नहीं करनी पड़ती है, इसको स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है। तो इसमें दिया हुआ है कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो हमारा असत्य हो जाएगा, आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, ये विकल्प सॉरी ये जो है सही है, आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है इसमें, लेकिन इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, गलत है, क्योंकि हमसे असत्य पूछा था, तो असत्य कथन ये हो जाएगा कि इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। अभी मैंने आपको बताया था कि काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं, तो जुताई अधिक नहीं करनी पड़ेगी, जुताई करनी कम पड़ती है। अगला विकल्प, अगला प्रश्न, लैटेराइट मिट्टी के निर्माण में क्या उत्तरदायी है? तो लैटेराइट मिट्टी के निर्माण में लोयस का निक्षेपण, अवक्षालन या केशिका क्रिया, सघन वानस्पतिक आवरण या जलोढ़ का निक्षेपण। तो इसमें जो विकल्प हो जाएगा अपक्षालन वाला, अपक्षालन या केशिका क्रिया, लैटेराइट मिट्टी के लिए अपक्षालन या केशिका क्रिया उत्तरदायी होती है। अगला, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? उत्तरी मैदान का मिट्टी निक्षेपण से निर्मित है, खादर मिट्टियां पीडमोट मैदान से बनी है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में लाल मिट्टी पाई जाती है, स्थानांतरित कृषि के द्वारा मिट्टी की उर्वरता और नमी में वृद्धि होती है। तो हमें बताना है इसमें कौन सा विकल्प असत्य है। तो 28 का हमारा डी विकल्प, स्थानांतरित कृषि द्वारा मिट्टी की उर्वरता और नमी में वृद्धि होती है, बिल्कुल गलत, स्थानांतरित कृषि से मिट्टी की उर्वरता और नमी में कमी होती है, ठीक है, इसीलिए झूमिंग जो खेती है उसको कम किया जा रहा है, तो इससे मिट्टी की उर्वरता में ह्रास होता है, यानी कि कमी होती है, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा सही। तो आज हम तीसरी प्रश्न को देखते हैं, कल इससे आगे प्रश्नों को देखेंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इन 30 प्रश्नों में आपके कितने सही हुए हैं ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।